आज मैं आपको बताने जा रही हूँ व्रत में खाने वाली साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए आपको सबसे पहले मूंगफली के दानों को अच्छे से एक गर्म कढ़ाई में रोस्ट कर लेना है। इसके बाद आप इन रोस्ट किए हुए मूंगफली के दानों को एक जार में खाली कर लीजिए। इसके बाद आप इन दानों को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। फिर आप इसमें कुछ करी लीव्स डाल दीजिए और दो से तीन हरी मिर्च भी आप इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आप इन मूंगफली के दानों को दरदरा मिक्सर में पीस लीजिए। अब मैंने कढ़ाई में दो चम्मच घी गरम कर लिया है और इसमें तीन से चार हरी मिर्च भी ऐड कर दी। अब हम इसमें चार पोटैटो बॉइल्ड एंड मैश्ड किए हुए मिला रही हूँ। यह 400 ग्राम मीडियम साइज के साबूदानों के लिए है। हमको आलूओं को तब तक पकाना है जब तक कि यह एकदम क्रिस्पी ना हो जाए और ब्राउन कलर के। इसमें थोड़ा सा मैंने करी लीव्स भी और डाल दी हैं। अगर आपको पसंद हो तो ही डालिए, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें अपने पहले से भीगे हुए साबूदाने मिला रही हूँ। मैंने 400 ग्राम साबूदाना लिया हुआ है। अच्छे से मिला लीजिए। अब मैं इसमें अपने दर्रे पीसे हुए मूंगफली के दाने मिला रही हूँ। अब मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। मैंने सेंधा नमक डाला हुआ है जिसको कि हम सभी व्रत में खाते हैं। अब मैं इसमें तीन नींबू का रस डाल रही हूँ। नींबू का रस डालने के बाद आप गैस बंद कर दीजिए और अच्छे से अपनी खिचड़ी को मिला लीजिए। लीजिए आपकी गर्मा गर्म व्रत के लिए फलाहारी खिचड़ी तैयार है। आप भी बनाइए और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए।